किसी के बाप से नहीं डरने वाला तानाशाह मोदी के सामने छोड़ता है पसीना। यूक्रेन में पुतिन, पाकिस्तान में तालिबान, तो कोरिया में किम जोंग ने मचाया हाहाकार। रोज सुबह सुबह मिसाइल फायर के बाद ही नाश्ता करता है किम जोंग। आखिरकार किम जोंग ने शुरू किया साउथ कोरिया पर महाविस्फोटक हमला। आखिरकार खत्म हुआ वर्षों से चला रहा किम जोंग उन का मिसाइल परीक्षण। अब लोगों की लाशें बिछाने को तैयार है सन की तानाशाह। ना पुतिन ना बाइडन, किम जोंग डरता है तो सिर्फ भारतीय पीएम मोदी से। आखिर क्यों? क्यों भारतीय दुश्मन को उत्तर कोरिया ने अपना दुश्मन बनाया? माल फूंक कर मिसाइल छोड़ता है, बोतल चढ़ाकर बम फोड़ने वाला तानाशाह सनक चुका है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है इस समय यूक्रेन के अंदर पुतिन ने तहलका मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालिबान अपना कहर डा रहा है। और अभी खबर निकल कर आ रही है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कोरिया के भी हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया की तरफ से जवाबी कार्यवाही करी गई, और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया की तरफ से कुछ ऐसा काम कर दिया गया जिसकी वजह से स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है। यहाँ पर उत्तर कोरिया ने इस साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे आने वाले समय में सभी देशों के लिए उत्तर कोरिया खतरा बन सकता है। ये सिर्फ दक्षिण कोरिया के लिए ही खतरा साबित नहीं हो रहा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने नए साल की शुरुआत में अपने देश को संबोधित करते हुए इस बात को कहा था कि ये 2023 हमारे लिए ऐसा होने वाला है जिसमें हम अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। सन की तानाशाह किम जोंग उन के ऊपर कई सारे जोक बनते रहते हैं, और इसी में से एक ये बात भी कही जाती है कि हर रोज सुबह सुबह मिसाइल फायर करने के बाद ही किम जोंग उन अपना नाश्ता करते हैं। अभी हाल ही में हमें ये देखने को मिला था कि दो युवाओं ने दक्षिण कोरिया की फिल्म देख ली थी जिसकी वजह से सन की तानाशाह ने उनको मौत की सजा सुनाई और लोगों के सामने गोली मारकर उन दोनों युवाओं की हत्या कर दी। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आखिरकार दक्षिण कोरिया के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत किम जोंग उन की तरफ से शुरू कर दी गई और बता दिया गया कि वो अपने दुश्मनों को किस तरीके से सबक सिखा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण कोरिया ने सोमवार को आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उसकी सीमा के पार कई ड्रोन भेजे हैं। इसके जवाब में सियोल की सेना ने सीमा पर विमानों को तैनात कर दिया है और ड्रोन को भगाने के लिए चेतावनी वाले हमले भी किए। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया में 5 ड्रोन को भेजा गया था। इसके अलावा उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं। 2020 से आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। उत्तर कोरिया की तरफ से हर साल पिछले साल से ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, जो कि कई देशों की आंखों में खटकने भी लगा है, जिसमें सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का। इसके अलावा अमेरिका भी इन सभी चीजों के ऊपर अपनी नजर बनाकर रखे हुए है। इसके अलावा किम जोंग उन की तरफ से अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये बात तक कह दी गई कि इस साल वो परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लेगा। दोस्तों, ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि यहाँ पर अगर किसी से किम जोंग उन डरता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। यहाँ पर ना पुतिन से ना जो बाइडन से किम जोंग उन डरता है, लेकिन बात जब भारत की आती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, तो हमें दिखाई देता है कि किम जोंग उन बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। भारत के विरोध में हमें कभी भी उत्तर कोरिया जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? इस तरीके का सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी से भी बिना डरे भिड़ जाने वाला सन की तानाशाह किम जोंग उन भारत का नाम सुनकर ठंडा पड़ जाता है। एक ऐसा देश जो कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका जैसे देशों से भी नहीं डरता, लेकिन जब बात भारत की आ जाती है तो वो बिल्कुल खामोश बैठ जाता है। इसके पीछे वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन मुख्य वजह के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जब पूरी दुनिया उत्तर कोरिया के ऊपर थू थू कर रही थी, तो उस समय भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जिसकी वजह से किम जोंग उन भारत की काफी ज्यादा इज्जत करने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया उत्तर कोरिया से नाराज चल रही थी। और ये वही समय था जब उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का मुंह जापान और अमेरिका की तरफ कर रखा था। इसके अलावा भारत चीन के बाद उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दूसरा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा भारत
उन देशों में शामिल है जिसके उत्तर कोरिया के साथ सबसे नजदीकी रिश्ते रहे। यही वजह है कि जिसकी वजह से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफी ज्यादा करीब आ चुका है और भारत के प्रधानमंत्री का नाम सुनकर तानाशाह का मन हल्का हो जाता है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं, उसका दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार बनाने का लक्ष्य है। नए साल की शुरुआत पर मिसाइल परीक्षण के बाद तानाशाह ने उत्तर कोरिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में उत्तर कोरिया तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का आकार बढ़ाएगा। किम ने कहा कि उसका लक्ष्य उत्तर कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार बनाना है। उसने अपने वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने का आदेश तक दे दिया। दक्षिण कोरियाई सेना और जापानी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की पुष्टि करते हुए बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने मध्य क्षेत्र से मिसाइल दागी और ये करीब 400 किलोमीटर की उड़ान के बाद कोरियाई प्रायद्वीप या जापान जल क्षेत्र के बीच गिरी। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2022 में उत्तर कोरिया ने 70 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया, जिनमें 25 से ज्यादा मिसाइलें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रतिबंधित श्रेणी की ICBM थी। चीन और उत्तर कोरिया की तरफ से बढ़ते खतरों के मद्देनजर दक्षिण कोरिया और जापान ने पिछले साल अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जहां एक तरफ जापान ने $320 अरब की परियोजना तैयार की जिससे वो अपने आत्मरक्षा बलों को मजबूत और सक्षम बनाएगा। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखने के लिए एडवांस ड्रोन फोर्स तैयार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अपनी सेना को स्टेल्थ ड्रोन देगा जो उत्तर कोरिया में बिना अपनी मौजूदगी बताए जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा भी अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के न्यूक्लियर एक्सरसाइज के सुझाव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका परमाणु अभ्यास पर चर्चा नहीं कर रहा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार 2 जनवरी को उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ने पर अपने दक्षिण कोरिया युद्ध अभ्यास को टालने का फैसला कर लिया। हमें देखने को मिला कि ताइवान में किस तरीके से चीन अपनी दादागिरी चलाता आ रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इसके चलते यहाँ पर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो सकता है। जिस तरह से आज आपस में रूस और यूक्रेन उलझे हुए हैं और इस समय हालात उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के भी खराब हो रहे हैं, ऐसे में स्थिति आने वाले समय में बिगड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस साल के अंत तक उत्तर कोरिया खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है या फिर अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।